अब मैं आपको दूसरे वाले बंकर में लेकर चलता हूँ जो लेफ्ट साइड की तरफ है। ये जो आप बैक साइड में देख रहे हो, इसी बंकर से मैं अभी बाहर आया हूँ और अब मैं आपको दूसरी साइड में लेकर चलता हूँ जो लेफ्ट साइड की तरफ बंकर है। अभी मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ ना लेफ्ट साइड की तरफ, ये बॉयलर प्रेशर पार्ट के फर्स्ट पास और सेकंड पास के बीच से रास्ता निकला हुआ है और अब मैं आपको दूसरे वाले बंकर की तरफ लेकर चलता हूँ। और अब मैं आ चुका हूँ बंकर नंबर 2 की तरफ। ये है यूनिट नंबर 1 का बंकर नंबर 2 जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो, सेम एज इट इज, वैसा ही जैसा मैंने आपको राइट साइड की तरफ दिखाया था। देख रहे हो ना, सारी चीजें एज इट इज उसी की जैसी, जैसा आपने एक और बंकर देखा था राइट साइड की तरफ। ये लेफ्ट साइड का बंकर है, आप देख लो कुछ भी चेंज नहीं है। गाइज, अगर आपने नोटिस किया होगा नेम प्लेट के ऊपर में, तो इस तरह का नेम प्लेट राइट साइड की तरफ था जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया राइट साइड की तरफ वाला बंकर, तो वहां पर ये बंकर नंबर 17 लिखा हुआ था और ये है बंकर नंबर 16। तो आप ऐसा ना सोचो कि मैं आपको एक ही बंकर दिखा रहा हूँ, मैंने आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड का बंकर दिखा दिया। देख लो किस तरह का होता है बंकर, थर्मल पावर प्लांट का, और ये 500 मेगावाट का बॉयलर है, तो कुछ इस तरह का है 500 मेगावाट का बंकर। और इसी बंकर के नीचे में मिल लगी हुई है, चार मिल, चार राइट साइड की तरफ और चार लेफ्ट साइड की तरफ। ये लेफ्ट साइड का एरिया है और उधर जो मैंने आपको दिखाया था वो राइट साइड का, तो टोटल यहाँ पर 8 मिल है और वो आठों की आठों बाउल मिल है, नॉट बाउल मिल। अभी मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरह का बंकर होता है थर्मल पावर प्लांट के अंदर। इस बंकर की पूरी डिटेल वीडियो आपको मिलेगी आने वाले कुछ दिन के बाद, तो अभी आप देख लो किस तरह का बंकर होता है और इसकी एक एक जानकारी, एक एक इन्फॉर्मेशन, चाहे वो इन्फॉर्मेशन छोटी हो या बड़ी, सबकी डिटेल वीडियो आपको आने वाले कुछ दिन में मिल जाएगी। तो आप चैनल से जुड़े रहना ताकि कोई भी वीडियो और आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आपने जिस बंकर के बारे में सुना है ना, ये वही बंकर है और इसी बंकर से कोयला नीचे जाता है मिल में, नीचे की साइड में मिल होती है और उसी मिल से कोयला पहुंचता है बॉयलर तक पाउडर के फॉर्म में, जिसे हम लोग पल्वराइज कोल बोलते हैं। गाइस, बहुत से पावर प्लांट में एक ही साइड में बंकर होता है, ये डिपेंड करता है कि मिल किधर है। जिधर मिल होगी उधर ही बंकर होगा, अगर मिल राइट साइड की तरफ है तो उसके ठीक ऊपर में बंकर होगा, और अगर मिल दोनों साइड में है मतलब कि लेफ्ट और राइट, तो फिर बंकर भी दोनों साइड में ही मिलेगा। जैसे अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो यहाँ पर दोनों साइड में मिल है, चार लेफ्ट की तरफ और चार राइट की तरफ, तो यहाँ पर दोनों साइड में बंकर है ठीक मिल के ऊपर में। और इसी बंकर में कोयला आता है CHP से, कोल हैंडलिंग प्लांट से, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू। ये देखो, ये सारी कन्वेयर बेल्ट है, ये जो आप देख रहे हो ना, एक ये भी कन्वेयर बेल्ट है और दूसरा ये नीचे की साइड में देखो, तो ये सारी कन्वेयर बेल्ट क्यों लगी है, इस पर कोयला कैसे पहुंचता है बंकर तक और यहाँ से कोयला कैसे मिल तक पहुंचता है, इसकी डिटेल वीडियो आपको मिलेगी कुछ दिन के बाद, जिसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूंगा बंकर से रिलेटेड। इस बंकर में भी सारी चीजें सेम एज इट इज वैसे ही है जैसी उस तरफ में आपने देखी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखो ये मेरे बैक साइड में वेंटिलेशन फैन, सेम ऐसा ही आपको राइट साइड की तरफ भी दिखा था, मैंने आपको दिखाया था, दो उस तरफ में थे और दो इस तरफ में भी हैं। आप देखो इधर ये वेंटिलेशन फैन, ऐसा ही दो उधर भी थे राइट साइड की तरफ, और ये देखो इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग ऑन हो चुकी है। देख लो किस तरह का होता है बंकर का एरिया और कितना एरिया कवर करता है, आप देख लो। ये 500 मेगावाट का बॉयलर है तो उसी हिसाब से बंकर का एरिया भी है। अगर बॉयलर छोटा होगा 110 मेगावाट का, 250 मेगावाट का, तो बंकर भी उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करो, ये देख रहे हो ना इस तरह का नेम प्लेट, ये कोडिंग की गई है 1F, तो ये सब क्यों किया गया है और ये वेंटिलेशन फैन क्यों होता है बंकर के अंदर में, ये सब कुछ आपको बताऊंगा, बस आप थोड़ा दिन वेट करो। अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को बंकर का। ये देखो यहाँ पर 1G लिखा हुआ है, वहाँ पर 1F लिखा हुआ है, तो ये सब कोटिंग क्यों होती है और ये वेंटिलेशन फैन का काम क्या है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। यहाँ पर दो बेल्ट क्यों लगी हुई है, एक ऊपर की साइड में और दूसरा नीचे की साइड में, मैं अभी इसके ऊपर भी चढ़ता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये भी एक बेल्ट है कन्वेयर बेल्ट और दूसरा ये भी कन्वेयर बेल्ट है। देखो ये अभी ये हाइट में दिखाई दे रही है ना, जब इसके ऊपर कोयला होगा ना तो ये डाउन हो जाएगी, अभी इस पे लोड नहीं है तो इसलिए ये ऊपर की साइड में है, जब इसके ऊपर लोड होगा तो ये डाउन हो जाएगी। और ये है रोलर, ये देखो, ये जितने भी देख रहे हो ना ये रोलर है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये फिर उसके बाद ये, देन ये, उसके बाद ये, बस देख लो कितना डिस्टेंस है, इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ से लेके आपको पूरा उस इन पॉइंट तक, वहां तक ये रोलर लगा हुआ है, और जब ये बेल्ट डाउन हो गया ना इस रोलर के ऊपर,
तो ये घूमता है और इसी के थ्रू ये बेल्ट घूमती है पूरी, और कोयला ऐसे कन्वेयर से यहाँ तक पहुँचता है और फिर ये मिल में जाता है नीचे। ये देखो इस वक्त मैं इसी बेल्ट के ऊपर मैं वॉक कर रहा हूँ, और इसे ही कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, और ये जहाँ से निकलती है ना उसे कन्वेयर लाइन बोलते हैं। अब मैं निकल जाता हूँ इधर से, क्या पता कभी भी ये स्टार्ट हो जाए, मुझे कुछ पता भी नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए यहाँ से हट जाना ही बेटर है। मेरा कोई बंकर में काम नहीं है, मैं तो सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए या ये कहें कि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इधर आया हूँ। मेरा काम तो बॉयलर के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में है, मतलब कि मेन बॉयलर में। मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को बताने और दिखाने के लिए आया हूँ कि बंकर कैसा होता है, बंकर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। यही है कन्वेयर बेल्ट, ये फर्स्ट और ये सेकंड, एक अप में है और दूसरा डाउन में, और ये जहाँ से निकलती है ना तो उसी को हम लोग कन्वेयर लाइन बोलते हैं। आपने दिखा ना बाहर की साइड में, मैंने आपको दिखाया भी है CHP में कैसे कैसे कन्वेयर लाइन निकलती है और किस बॉयलर में कितनी मील होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है बॉयलर की कैपेसिटी के ऊपर। अगर मैं बात करूँ 250 मेगावाट बॉयलर की, तो उसमें मैंने जनरली यही देखा है कि 6 मील होती है, और ये 500 मेगावाट का बॉयलर है तो यहाँ पर टोटल 8 मील है, 4 लेफ्ट और 4 राइट की तरफ। और ये यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 ये NEI मॉडल बॉयलर है, तो यहाँ पर बॉल मिल का इस्तेमाल किया गया है। और बात करें यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 की, तो वो BHEL मॉडल बॉयलर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर बाउल मिल का इस्तेमाल किया गया होगा। इस वक्त शाम हो चुकी है, शाम के 7 बज रहे हैं, तो इसलिए पूरी लाइटिंग भी ऑन हो चुकी है बंकर के अंदर। मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर लेकर चलता हूँ बंकर का, फिर आप वहाँ से देखो पूरा एंड तक आपको दिखेगा। अब देखो ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट, ये गेट है, यहाँ से इन होते हैं बंकर के अंदर में, और आप यहाँ से देखो वो बिल्कुल आप देख रहे हो वहाँ तक एंड पॉइंट है। आप एग्जांपल में समझ लो कि जैसे मतलब यहाँ से बॉयलर का फर्स्ट पास शुरू होता है ना, तो बॉयलर के फर्स्ट पास से लेके बिल्कुल सेकंड पास तक आपको पूरा का पूरा बंकर का एरिया है। और ये देखो इधर में कुछ सामान रखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पर कुछ काम हो रहा है, ओवरवेलिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे बॉयलर की ओवरवेलिंग होती है ना, वैसे ही सारी चीज़ों की ओवरवेलिंग होती है बंकर की, मिल्स, IDFD, PFN, चिमनी, उसके बाद एयर हीटर। ये मैंने जितने भी नाम आपको बताए ना, सभी का ओवरवेलिंग होता है जब शटडाउन होता है बॉयलर का, तब उस वक्त ये सारे काम होते हैं। तो इस बंकर में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, अभी तो शाम हो चुकी है इसलिए बंदे जा चुके हैं, ज़्यादातर इसमें डे शिफ्ट में ही काम होता है, नाइट शिफ्ट में काम नहीं होता है। देखो बंकर के अंदर में जगह जगह पे एग्जॉस्ट फैन भी लगे हुए हैं, यहाँ पर एक देख रहे हो ना, इस तरह के बहुत सारे हैं इस लाइन में भी और उधर भी, दोनों साइड में लगे हुए हैं। अभी तो यह बंकर बंद है इसलिए इसमें कोई भी आ सकता है, पर जब ये रनिंग कंडीशन में होता है ना तो इसमें आना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज बहुत डस्ट होता है। जाहिर सी बात है कि जब इस कन्वेयर लाइन के ऊपर में कोयला होगा और उस कोयले से जो डस्ट निकलती है तो उससे लोगों को प्रॉब्लम होगी, इसलिए यहाँ पर आना बहुत मुश्किल होता है रनिंग कंडीशन में। तो गाइज ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन बॉयलर के बंकर के बारे में, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब निकलता हूँ इस बंकर से बाहर, अभी मैं आया था इस वाले गेट से, देख लो, और अब मैं जाता हूँ दूसरे गेट से बाहर। ये कोयले की खान है, कोयले के अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सब ब्लैक ब्लैक पूरा, देख लो। ये है गेट नंबर 2 और मेरे पीछे देखो आप वहाँ, वो है गेट नंबर 3। और एक रास्ता और है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको दिखेगा नहीं पर बता देता हूँ, वो बिल्कुल एंड में देख रहे हो ना, उधर से भी लोग आते हैं, पर उधर से सिर्फ काम करने वाले ही आते हैं मोस्टली, जो लोग आते हैं ना चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, वो इधर से आएंगे या फिर इस तरफ से आएंगे। तो मैं भी चलता हूँ बाहर। और अब मैं आ चुका हूँ लिफ्ट के पास, बिकॉज मैं जा रहा हूँ नीचे 0 मीटर पर। ये है VIP लिफ्ट।